दोस्तों नमस्कार, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है, कर्जदार और बिना कर्जदार किसान 31 जुलाई तक करवाएं अपनी फसल का बीमा। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत किसानों को आपदा के कारण होने वाले फसलों के नुकसान को कवर किया जाता है, जिससे किसानों की आय स्थिर करने में मदद मिलती है। योजना के अंतर्गत देश भर के अब तक 36 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है। इस योजना से नामांकित लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब योजना के अंतर्गत वे किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिन्होंने खेत को लीज पर लिया है या फिर अधिया बटाई किया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फसल बीमा के आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। हालांकि यह तिथि आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन 31 जुलाई से पहले आप नज़दीकी अपनी सोसाइटी में जाकर के अपनी फसलों का बीमा करवा लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रदेश में दो कंपनियां निर्धारित की गई है। पहली कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। दोनों ही कंपनियां प्रदेश में किसानों का बीमा करती है और फसल खराब होने पर यह बीमा राशि किसानों को देती है। भोपाल, इंदौर, सीहोर और देवास जिलों में फसल बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। वहीं बाकी बचे हुए सभी जिलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान भाइयों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही अपने पास की संबंधित बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक में फॉर्म जमा कर अंतिम तिथि से पहले फसलों का बीमा करवा लें। पन्ना जिले से खबर है, पन्ना जिले में खाई में गिरी बस। तेज रफ्तार से चल रही थी बस, जिसके कारण 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। पन्ना जिले में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में एक 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, 35 में से 15 यात्री घायल भी हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई भेजा गया है। पुलिस के द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र की मोहंद्रा चौकी के पास हुई है। जानकारी के अनुसार बस का एक हिस्सा खाई में भरे पानी में डूब गया था। हादसा स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुआ। सभी यात्री बस में फंस गए। पुलिस ने यात्रियों को बाहर निकाला। बस हरदुआ से पवई होते हुए पन्ना जा रही थी। इन सभी घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हो गए हैं। इंदौर और उज्जैन समेत प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने के बाद से हो रही बारिश से छोटी नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। उड़ीसा में बने सीजन के पहले लो प्रेशर एरिया और मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन के असर के कारण ऐसी तेज बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश में 5 जुलाई से 8 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे प्रदेश में एक साथ मानसूनी पानी बरसा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के नज़दीक बनता है, तो इसका असर प्रदेश में ज़्यादा होता है और बारिश भी अधिक होती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी अगले 3 दिन तक ऐसी बारिश होने की संभावना है। आधे से ज़्यादा प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश कराने वाले 3 सिस्टम एक्टिव हैं। पहला ओडिशा में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, दूसरा दक्षिण झारखंड में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बन रहा है, वहीं तीसरा अरब सागर से भी नमी मिल रही है। इन तीनों सिस्टम के कारण अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार। पुरस्कार की राशि में ही बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में 604 सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। किस कैटेगरी में पंचायत को कितना इनाम मिलेगा, उसके बारे में जानकारी आई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। प्रदेश में अब तक 604 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार राशि विकास कार्यों के लिए मिलेगी। वे कैटेगरी हैं महिला और बाल हितेशी पंचायत, दूसरी कैटेगरी है आर्थिक रूप से संपन्न पंचायत और तीसरी कैटेगरी है स्वच्छता में अच्छा काम करने वाली पंचायत। इन कैटेगरी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पुरस्कार इसमें 50 लाख रुपये तक का रखा गया है। जिस पंचायत में सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं उस पंचायत को 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि मिलेगी। वर्तमान में और पिछले चुनाव में निर्विरोध चुने गए सरपंच को 7 लाख रुपए मिलेंगे।
सरपंच और सभी पंच निर्विरोध चुने गए हैं उस पंचायत को 7 लाख रुपए पुरस्कार मिलेगा। जिस पंचायत में सरपंच पुरुष और महिलाएं पंच हैं और वे सारे निर्विरोध चुने गए हैं उस पंचायत को 12 लाख रुपए पुरस्कार मिलेगा। वहीं जिस पंचायत में सरपंच और पंच सभी महिलाएं हैं और निर्विरोध चुने गए हैं उस पंचायत को 15 लाख रुपए पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा पंचायत एवं विकास विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कार देने का फैसला लिया है। पहली कैटेगरी महिला एवं बाल हितैषी पंचायत, इसके अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सभी संसाधनों से युक्त आंगनवाड़ी को संचालित करना, कुपोषण से मुक्ति दिलाना, बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ दिलाना। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी स्वच्छ स्वस्थ एवं हरित पंचायत, इसके तहत पंचायत के 100% घरों में शौचालय की उपलब्धता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु संचालित योजनाओं का 100% क्रियान्वयन, इसके अलावा पंचायतों के ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का अधिकतम उपयोग करना, टीकाकरण करवाना, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के उपायों पर कार्य करना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, बीमारियों की रोकथाम करवाना, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधी उपाय करवाना, आयुष्मान भारत योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले इसका भी काम करवाना। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पंचायत, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कराधान की मजबूत व्यवस्था करवाना, जन सहयोग और कर संग्रहण से ग्रामीणों को सुविधा और सेवा प्रदान करना, स्व सहायता समूह का कौशल उन्नयन एवं बैंक लीकेज करवाना, मनरेगा के अंतर्गत स्थायी आजीविका प्राप्त करना, लोगों की हर पात्र परिवार को पीएम आवास, राशन, गैस आदि की सुविधा उपलब्ध करवाना। इन सभी कैटेगरी में यदि कोई पंचायत उत्कृष्ट काम करती है तो प्रदेश में ऐसी पंचायतों को चिन्हित किया जाएगा, उनमें से 3 पंचायतों को मिलेंगे पुरस्कार। पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए का होगा, दूसरा पुरस्कार 25 लाख रुपए का होगा और तीसरा पुरस्कार 15 लाख रुपए का होगा। तो इस प्रकार से आप भी चुनाव जीतने के बाद अपनी पंचायतों को 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायत बनाएं। दुकानों से आटा दाल सामने पैक कराकर खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा, अन्यथा आपने पैक्ड आटा दाल खरीदा तो आप पर GST टैक्स लगेगा, अर्थात महंगा मिलेगा। अगली बार जब आप महीने का किराना सामान लेने किसी दुकान या स्टोर में जाएं, तो गेहूं, चावल, दाल समेत दूसरे फ्रूट 5% से लेकर 12% तक महंगे मिलेंगे, लेकिन आपने यदि खुले में लिया और सामने पैक कराया तो आपको यह सस्ता मिलेगा। दाम में बढ़ोतरी, मांग बढ़ना और आपूर्ति घटना नहीं है बल्कि GST टैक्स है, इसलिए किराना सामान खरीदते समय ध्यान रखिएगा। किसानों को मिली है बड़ी राहत, बारिश से फसलों की बुआई में आई तेजी, कृषि विभाग ने 72,000 हेक्टेयर भूमि में धान की बोनी का रखा है लक्ष्य। नरसिंहपुर जिले से खबर है, नरसिंहपुर जिले में पिछले एक पखवाड़े से किसान बारिश को लेकर चिंतित थे, जिससे खरीफ फसलों की बोनी पिछड़ रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जारी रिमझिम बारिश ने किसानों को राहत दे दी है। बारिश का यह सिलसिला पूरे जिले में एक जैसा ही रहा है, जिसके कारण अटकी खरीफ सीजन की बुआई का काम शुरू हो गया है। कृषि विभाग ने जिले में इस साल करीब 72,000 हेक्टेयर में धान की बुआई, 40,000 हेक्टेयर में मक्का की बुआई, 3,000 हेक्टेयर में ज्वार की बुआई, 48,000 हेक्टेयर में उड़द, 1,500 हेक्टेयर में मूंग की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं 43,000 हेक्टेयर में अरहर, 10,000 हेक्टेयर में सोयाबीन, 1,500 हेक्टेयर में तिल की बोनी का लक्ष्य रखा है। अभी तक जिले भर में पिछले एक सप्ताह से करीब 40% बुआई हो चुकी है और आगे कुछ दिनों में यह पूरी बुआई, यह पूरा लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसान पानी का इंतजार कर रहे थे, अब अगले दिनों में बुआई में और तेजी आएगी। इस प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में यही हाल है, अभी बुआई का काम शुरू हो गया है और बोनी बहुत तेजी से हो रही है। प्रदेश में 18 जुलाई को होगी डाक जीवन बीमा एजेंट की चयन प्रक्रिया, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इसमें अप्लाई करें। छतरपुर जिले से खबर है, छतरपुर जिले में डाक जीवन बीमा के एजेंट की चयन प्रक्रिया 18 जुलाई को होगी। साक्षात्कार छतरपुर अधीक्षक कार्यालय में होगा। उम्मीदवार की उम्र इसमें 18 से 50 वर्ष मांगी गई है, जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। मूल प्रमाण पत्र के साथ फोटो कापी लेकर के आप छतरपुर डाक कार्यालय पहुँच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर 076-82-24-83-15 पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश कितना खुशहाल है, मध्य प्रदेश की जनता कितनी खुशहाल है, इसके बारे में जानकारी देगा हैप्पीनेस इंडेक्स।
इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द शुरू होगा सर्वे। मध्य प्रदेश में लगातार प्रदेश को विकसित करने और खुशहाल बनाने के क्रम में अब हैप्पीनेस मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स निकालने के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। साथ ही प्रदेश की योजनाओं का प्रदेश की जनता पर किस तरह प्रभाव पड़ रहा है और इससे उनके जीवन में कितनी खुशहाली आई है, इसके लिए अब हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। इंडेक्स के जरिए भी प्रदेश सरकार की योजनाओं का आकलन किया जाएगा। प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए अगले महीने से काम शुरू होगा। साल के अंत तक राज्य का हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए 5 साल से तैयारी की जा रही है। इस पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2.5 साल तक काम ठप हो गया था। हालांकि अब एक बार फिर से हैप्पीनेस इंडेक्स की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिससे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश कितना खुशहाल है, प्रदेश की जनता कितनी खुशहाल है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।